कॉपीराइट नियमों का उल्लंघन करना चोरी पाप है। जैन डिजिटल टेक्नोलॉजी फाउंडेशन। विजयार्ध पर्वत। विजयार्ध पर्वत की दक्षिणोत्तर दोनों तटों की प्रथम श्रेणी पर विद्याधर मनुष्य निवास करते हैं और द्वितीय श्रेणी पर आभियोग्य जाति के देव निवास करते हैं। तथा शिखर पर सिद्धकूट आदि नौकूट है। ये सभी कूट कांचनमय और गोलाकार वाले हैं। सिद्धकूट के ऊपर पूर्वाभिमुख रमणीक जिन मंदिर है उन्हें मैं भावपूर्वक नमस्कार करता हूं। सभी विजयार्ध पर्वतों की रचना इसी तरह जानना चाहिए। विजयार्ध पर्वत का वर्ण चांदी सदृश सफेद होता है, कृपया भूरा अर्थात ब्राउन कलर ग्रहण न करें। पर्वतों पर कूट, हिमवान पर 11, महाहिमवान पर 8, निषद्ध पर 9, नील पर 9, रुक्मी पर 8, शिखरिन पर 11 कूट अवस्थित है। प्रत्येक विजयार्ध पर 9-9 कूट है। ये सभी कूट रत्नमय सुवर्णमय एवं गोलाकार वाले हैं। इन सभी कूटों में पूर्व दिशा में सिद्ध नामक कूट के ऊपर जिन मंदिर होते हैं तथा स्त्रीलिंग नामधारी कूटों पर व्यंत्र देवांगनाएं निवास करती है और शेष कूटों पर अपने अपने कूट नामधारी व्यंत्र देव रहते हैं। सभी पर्वतों के मूल भाग में और उपरिम भाग में तथा सरोवरों के चारों ओर वन है। वृषभाचल पर्वत, विजयार्ध पर्वत और गंगा सिंधु नदियों के कारण बने हुए 6 खंडों में से जो मध्य का म्लेच्छ खंड है उसके ठीक मध्य में सुवर्ण वर्ण वाला मणिमय वृषभाचल पर्वत है। छह खंडों पर विजय प्राप्त कर जो चक्रवर्ती होते हैं वे इन पर्वतों पर अपना नाम लिखते हैं। अतीत काल में हुए चक्रवर्ती राजाओं के नामों से ये पर्वत भरे हुए हैं। आर्यखंड के मध्य में चक्रवर्ती के निवास योग्य राजधानी होती है। इसी आर्यखंड के मध्य में हम वर्तमान में रहते हैं। भोग भूमि कर्म भूमि। देवकुरु और उत्तर कुरुक्षेत्र में उत्तम भोग भूमि है। हरि और रम्यक क्षेत्र में मध्यम भोग भूमि है।
तथा हैमवत और हैरण्यवत क्षेत्र में जघन्य भोग भूमि है। इस प्रकार दो उत्तम भोग भूमियां, दो मध्यम और दो जघन्य, कुल 6 भोग भूमियां हैं। अतः 5 मेरु संबंधी कुल 6×5 बराबर 30 भोग भूमियां है। शेष बचे सभी क्षेत्रों में कर्म भूमियां हैं, अर्थात 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 विदेह के कुल 15 कर्म भूमियां हैं। जय जिनेन्द्र। थैंक यू। ऐसे ज्ञादान जो करते हैं डोनेशन, देने वाले कल्याण जगत का करते हैं। दान करो जी, दान करो, इस जग का कल्याण करो। दान करो जी, दान करो, इस जग का कल्याण करो।